लोकतंत्र की आवाज साथ आपके मैं हूँ ममता सिंह। करेंगे रुख और भी खबरों का, उससे पहले नजर डालेंगे आज की कुछ खास खबरों पर। झारखंड के राजकीय जष्टिही के बसुआ डीह मोड़ के समीप विगत 8 सितंबर को सरिया से भरे ट्रक लूट मामले में झारखंड राज्य अंतर्गत देवघर के एसटीपीओ पवन कुमार, जष्टिही थाना अध्यक्ष विक्रम प्रसाद सिंह के द्वारा अमरपुर प्रखंड अंतर्गत कुसमाहा गांव स्थित रवि इंटरप्राइजेस में छापेमारी कर लूटी गई लगभग 25 टन मोंगिया कंपनी की सरिया बरामद कर ली गई है। हालांकि दुकान के प्रोप्राइटर रंजीत मोदी पुलिस को चकमा देकर फरार होने में कामयाब हो गया। मामले को लेकर देवघर एसडीपीओ पवन कुमार ने बताया कि विगत 8 सितंबर को गिरिडीह से मोंगिया कंपनी के सरिया लेकर बिहार के भागलपुर के लिए चले ट्रक संख्या JH11E4071 को जष्टिही के बस आडीही मोड़ के समीप कुछ अपराधियों ने ट्रक चालक समेत वाहन को लेकर फरार हो गए थे। मामले को लेकर ट्रक मालिक गिरिडीह चिराके नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत न्यू बरगंडा निवासी रणवीर सिंह के थाने में लिखित आवेदन देकर लूटी गई ट्रक व सरिया बरामद की गई गुहार लगाई थी। मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस टीम गठित कर घटना के दूसरे दिन भागलपुर बाईपास रोड के समीप लावारिस अवस्था में ट्रक बरामद कर लिया गया था। इसके साथ ही ट्रक के चालक व खलासी को गिरफ्तार कर लिया गया। ट्रक में लदी सरिया गायब हो चुकी थी। पूछताछ के दौरान ट्रक चालक ने अमरपुर थाना क्षेत्र के कुसमाहा गांव निवासी रंजीत मोदी के पास लूटी गई सरिया रहने की बात कबूल किया है। चालान के बयान पर तुरंत कार्रवाई करते हुए अमरपुर पुलिस के सहयोग से कुसमाहा गाँव में छापेमारी कर लूटी गई सरिया बरामद कर ली गई है। फरार दुकानदार की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। पूर्व में ही कलकत्ता से लूटे हुए तांबा की रेड अमर की झरना गांव में हुई बरामद। अमरपुर प्रखंड लूटी गई सामान को खपाने का केंद्र बनता जा रहा है। करीब 5 माह पूर्व कलकत्ता के बंदरगाह से करीब 25 लाख रुपए की तांबा का रेड एक ट्रक में लोड कर राज चला गया, लेकिन ट्रक गंतव्य स्थान पर पहुंचते ही पहले से रास्ते में गायब हो गए थे। कोलकाता पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए छानबीन शुरू कर दी है, जिसमें कोलकाता पुलिस ने गायब हुए ट्रक बरामद करते हुए ट्रक चालक को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ के दौरान ट्रक चालक ने लूटी हुई तांबा का रड अमरपुर थाना क्षेत्र झरना गांव में होने की बात बताई है, जिस पर तुरंत कार्रवाई करते हुए कलकत्ता पुलिस अमरपुर थाना के तत्कालीन थाना अध्यक्ष अरविंद कुमार राय के सहयोग से झरना गांव में छापेमारी कर लूटी हुई 50 लाख रुपये की तांबा का रड बरामद कर लिया गया। इस मामले में भी लुटेरा फरार हो गया है। अब सवाल ये उठता है कि क्या अमरपुर प्रखंड लुटेरे का हब बनता जा रहा है या लूट का सामान खपाने का बड़ा केंद्र बन रहा है। लाइव टीवी समाचार के लिए भागलपुर से चंद्रशेखर कुमार भगत की खास रिपोर्ट। मतलब बेटर क्या है आपका? दिनांक 8/9/2021 को जसडी थाना अंतर्गत एक ट्रक लूट की घटना कारित हुई थी, जिसमें ट्रक के ड्राइवर तथा उसके खलासी को हाईजैक कर टोटल 25 टन जो सरिया है उनको उनकी लूट की गई थी। हम लोग ने ड्राइवर को गिरफ्तार किया है। उससे पूछताछ के क्रम में पता चला है कि ये रंजीत मोदी हैं, इनके यहाँ उस सरिया जो है लाया गया था। आज हम लोग ने इनके यहाँ से लूट की हुई सरिया को बरामद किया है। आगे की जो विधिवत कार्रवाई हम लोग पूरी करेंगे और कानूनी कार्रवाई सुबह से। ये सर मतलब इसमें कितना सरिया बरामद हुआ सर? लगभग प्रथम दृष्टि तो लगभग लग रहा है कि जितने भी लूट के सरिया हैं सब हैं, और हम लोग विस्तृत वजन के अनुसार भी निर्णय ले पाएंगे कि कितने सरिया हैं और कितने सरिया गायब हैं। ये रंजीत मोदी फरार है सर? हम लोग प्रयास कर रहे हैं, लगातार प्रयास में लगे हुए हैं आगे की जो भी कार्रवाई हो सकती है। ये छापेमारी टीम में कौन कौन है सर? SDPO देवघर में खुद हुआ, मेरे साथ जसीबी थाना प्रभारी विक्रम जी हैं और साथ में हमारे सुहास बल हैं, जिनके द्वारा काफ़ी प्रोफेशनल तरीके से इस घटना को अंजाम दिया गया और काफ़ी तरीके से अब तक के लिए बस इतना ही। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, थोड़ी देर में फिर से हाजिर होंगे ऐसी कुछ खास खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।